बनासकांठामां मनरेगा कौभांड मामले जिला विकास अधिकारी आजे खुलासो करशे। मनरेगा हेठळ भूतिया जॉब कार्ड बनावानो आक्षेप करायो छे। हार्दिक पटेल अने जिग्नेश मेवाणी आरोप लगाव्यो छे कि भूतिया जॉब कार्ड बनावी एटीएम कार्ड पण बनावी नाणा उपाडी लेवानुं कौभांड थयुं छे। बनासकांठामां 50 करोड़ना मनरेगा कौभांडनो आक्षेप थयो छे। तो जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल सरकार पर मोटो आक्षेप। जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेले कहूं कि बालुंद्रा गाम में 10 करोड़ कौभांड करायू है। हार्दिक पटेले सरकार पर आक्षेप करता कहूं कि समृद्ध गुजरात में मनरेगा राज्यव्यापी कौभांड आचरवामां आव्युं। मनरेगा हेठ गरीबों रूपया लई लेवाया। बनासकांठा लोग कौभांड थयुं। हार्दिक पटेले वधुमां कहूं लोकोना बैंक खाता खोलावी पैसा उपड़ी लेवाय छे। भाजप समर्थक सरपंच और टीडीओ द्वारा कौभांड आचरवामां आव्युं छे। एक गाम में 50 થી 100 લોકોના ખોટા એકાઉન્ટ જોબ કાર્ડ બન્યા તો જિગ્નેશ મેવાણી આક્ષેપ કરતા કહ્યું મનરેગા યોજના અંતર્ગત 200 થી 250 દિવસ કામ અપાય છે। જો કે કોરોનાને કારણે દેશમાં 16 થી 22 કરોડ લોકો બેરોજગાર બન્યા અને આ તમામની વચ્ચે હાલમાં 100 દિવસ જ કામ આપવામાં આવે છે। વધુ જાણકારી આપશે સંવાદદાતા મોગજી ચૌધરી। મોગજી, જે રીતે હાર્દિક પટેલ અને જિગ્નેશ મેવાણી દ્વારા આરોપ કરવામાં આવ્યો છે સરકાર પર, जिला विकास अधिकारी पण समग्र मामले खुलासो करवाना छे, क्या सुधी में जिला विकास अधिकारी समग्र मामले खुलासो करे तेवी शक्यता छे? जी चोक्कस, जे रीतना गई काले जिग्नेश मेवाणी तेमज हार्दिक पटेल द्वारा जे मनरेगा कॉम्पाउंड ने लईने जे समग्र प्रेस कॉन्फरन्स करवामां आवी हती, त्यारे जे समग्र मामलो बहार आव्यो छे, कही शकाय के जे भूतिया कार्ड बनावी समग्र कॉम्पाउंड करवामां आव्यो होय, तेमो टीडीओ सहितना जे सरपंच तेमज सलाटीओ पण भागीदार होय तेवा आक्षेपो करवामां आवे छे। कही शकाय के जे रीतना कॉम्पाउंडनी वात छे तो करोड़ो कॉम्पाउंडनी वात सामे आवी छे, त्यारे आ बाबते समग्र जे तपासना आदेश आपवामां आवे छे अने तपास बाद आजे कही शकाय के 11 વાગે जिला विकास अधिकारी जे छे कही शकाय के जे कॉन्फरन्स करवाना छे अने तेना द्वारा समग्र जे खुलासो करवाना छे, कई रीतना जे आक्षेपो करवामां आवे ते समग्र बाबत अत्यारे खुलासो करवामां आवे छे। करोड़ोनो કોમ્પાઉન્ડનો મામલો છે, કહી શકાય કે જિગ્નેશ મેવાણી કહ્યું તો બનાસકાંઠામાં 300 જેટલા ગામોમાં મનરેગામાં કોમ્પાઉન્ડ થયું છે, ત્યારે આ સમગ્ર કોમ્પાઉન્ડને લઈને અત્યારે વિકાસ અધિકારી દ્વારા સંપૂર્ણ જોઈ સમગ્ર ખુલાસો આપવામાં આવશે। જી બિલકુલ મોગજી, માહિતી માટે આપનો આભાર।